अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहरिया इनसाइट्स और मैं हूँ आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। अपने शो में हम बात करते हैं बहरिया टाउन में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के सिनेरियोस को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 15 के हवाले से। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी रियल इस्टेट एक्सपर्ट मिस हलीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जवेरी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिना किसी ताखीर के मामलात को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि प्रीसिंक्ट 15 की लोकेशन क्या है? प्रीसिंक्ट 15 की जो लोकेशन है बहरिया टाउन कराची में, अगर हम इस वक्त मेन गेट से इसका डिस्टेंस काउंट करते हैं, तकरीबन ये मेन गेट से इस वक्त 6 to 7 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, और इसमें हमारे पास 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं प्रीसिंक्ट 15 में। अच्छा जी, वैसे मैंने सुना है कि प्रीसिंक्ट 15 की डिवीजन है, लाइक सब डिवीजन है, तो वो सब डिवीजन क्या है? प्रीसिंक्ट 15 में हमारे पास 15A है एंड 15B है, ये बहुत छोटे प्रीसिंक्ट्स आ जाते हैं। प्रीसिंक्ट 15 हमारा एक बहुत छोटा प्रीसिंक्ट है, इसमें हमारे पास जो प्लॉट्स हैं 125 स्क्वायर यार्ड के बहुत सिलेक्टेड प्लॉट्स दिए गए हैं। और अगर हम इस वक्त डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से बात करते हैं, तो इस वक्त डेवलपमेंट स्टेटस ये है कि यहाँ पर प्रीसिंक्ट 15 के अंदर पोजीशन मिल चुका है बहरिया की तरफ से। अगर आप ऑन ग्राउंड जाते हैं, डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से पोजीशन भी मिल चुका है, आप वहाँ पर कुछ घर भी बन रहे हैं सिलेक्टेड हमारे 125 स्क्वायर यार्ड के इन्वेस्टर्स के। और अगर हम इस वक्त देखते हैं, तो इस वक्त हमारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लग चुकी हैं प्रीसिंक्ट 15 में। चलें जी, ये तो बात हो गई वहाँ पे इस वक्त क्या डेवलपमेंटल स्टेटस है उस हवाले से। अब हम बात करें कि प्रीसिंक्ट 15 के आसपास सराउंडिंग एरियाज में कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं बहरिया टाउन के, जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल। देखिए, फर्स्ट तो मैं प्रीसिंक्ट 15 की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेन जीना एवेन्यू पर आ रहा है ये प्रीसिंक्ट। सेकेंड हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बिल्कुल अली ब्लॉक, जो कि बिल्कुल जो कि एक बहरिया का समझे कि दिल कहा जाता है प्रीसिंक्ट 12 अली ब्लॉक को, तो ये तक इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर आ रहा है अली ब्लॉक के। और इस वक्त के टाइम के ऊपर प्रीसिंक्ट 15 के अंदर आपको 15A और 15B के जो प्रीसिंक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो क्लब हाउस भी दे रहा है बहरिया। इसमें आपको, इसमें हमारे पास एक और बेनिफिट ऑप्शन ये है कि प्रीसिंक्ट 15 के जो प्लॉट्स हैं उसमें हमारे पास जो रेट्स हैं इस वक्त ये प्लॉट्स फुल पेड हो चुके हैं 17-25 के। बहरिया ने 17,25,000 रुपये के प्लॉट्स दिए थे। आज की मार्केट के हिसाब से इस वक्त प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, कुछ मिनिमम ओन चल रहा है इस प्लॉट्स के ऊपर, फुल पेड हो चुके हैं। और इस वक्त जो है वो कॉर्नर प्लॉट, आपका कमर्शियल फेसिंग प्लॉट, पार्क फेसिंग प्लॉट, जर्नल प्लॉट, इनके रेट्स एक डिफरेंट है। जर्नल प्लॉट का रेट कमर्शियल फेसिंग का प्लॉट का जो रेट है वो एक डिफरेंट रेट है एज कम्पेयर टू कॉर्नर और पार्क फेसिंग के। एक एस्टिमेटेड रेट की अगर हम बात करें, तो आपने बताया कि 17 point something पे ये स्टार्ट हुआ था, तो इस वक्त यहाँ का एस्टिमेटेड रेट क्या होगा 15A और 15B? इस वक्त अगर हम देखते हैं कि ओन के हवाले से 15A और 15B की बात करते हैं, तो तकरीबन इस वक्त 7 से 7.5 लाख रुपए ओन चल रहा है इसकी ऑफिशियल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस वक्त के टाइम के ऊपर हमें प्लॉट अगर हम कम से कम रेट लेते हैं, तो 22 से 23-24 लाख के बिटवीन में हमें अच्छी लोकेशन का प्लॉट ईजिली मिल सकता है 15A एंड 15B के अंदर। अच्छा लीमा, आखिरी सवाल जो मेरा सबसे अहम सवाल ये है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बहरिया टाउन में मौजूद किन नए प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं? इसमें हमारे पास जो बहरिया में हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि जो प्रीसिंक्ट 15 में हम दे रहे हैं, इसमें हम ज़मीन विलास का जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि हम हर वीडियो में प्रीसिंक्ट वाइज में आपको ब्रीफ करती भी आई थी, तो प्रीसिंक्ट 15 के अंदर भी हम आपको विला बना के दे रहे हैं 125 स्क्वायर यार्ड का, जो कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगा 3 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पर और 1 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान के। उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्यूरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ज़मीन विलास के ग्राउंड प्लस 1 की कंस्ट्रक्शन होगी, 3 मास्टर बेडरूम होंगे ये हमारे, और कंस्ट्रक्शन आपकी एक क्वालिटी की होगी। इसमें हमारे पास एक बेनिफिट ऑप्शन ये है कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से सब चीज़ें आपकी चॉइस के मुताबिक हो सकती हैं। और इसके ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है ज़मीन विलास का, हमारे साइट के ऊपर मॉडल भी तैयार हो चुके हैं और हमारे कुछ विलास वहाँ पे बन भी रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि फर्दर प्लान के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अभी हमारे पास फर्दर एक न्यू प्रोजेक्ट भी जो कि हमारे पास प्लान के ऊपर है, ठीक है। जैसे हमारे पास इस वक्त अपार्टमेंट भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट पर आ रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स भी आ रही हैं, कमर्शियल ऑफिसेज भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज के इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा, हम बात कर रहे थे अपने शो में बहरिया टाउन प्रीसिंक्ट 15 के हवाले से। अगर आप जानना चाहते हैं इसके अगले प्रीसिंक्ट्स के बारे में या नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे राब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।